भोजपुरी फिल्में फिलहाल खूब चर्चाएं बटोर रही हैं। ये तो आप सब जानते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि अब ये फिल्में इतनी शानदार और इतनी पॉपुलर हो चुकी हैं कि अलग अलग इंडस्ट्रीज से जुड़े बड़े बड़े चेहरों को टक्कर देने लगी हैं। जी हाँ, फिल्म गदर की सफलता के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये भी आपको पता होगा कि गदर ने मुंबई में ऐसा गदर मचाया था कि ये बातें उठने लगी थी कि क्या ये तमिल सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्मों को टक्कर दे सकती है। अब सवाल उठना लाजमी भी था, क्योंकि गदर की रिलीज होने के बाद मुंबई के सारे थिएटर्स जहाँ जहाँ ये फिल्म लगी थी फुल चल रहे थे और लोगों का तांता भी देखते ही बनता था। तो ऐसे में ये कहना मुश्किल था कि इसने रजनीकांत की फिल्म को टक्कर दे दी थी, क्योंकि कबाली के कलेक्शन को भी कम नहीं आंका जा सकता। उसने भी अच्छी खासी कमाई की थी। साथ ही खबरें तो यहाँ तक आई थी कि सलमान की सुल्तान पर भी किसी किसी जगह कबाली भारी पड़ गई थी। इसकी इस सफलता व इस कामयाबी के बारे में इस फिल्म के निर्देशक से जब बातचीत हुई तो उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मैं इस कामयाबी से बेहद खुश हूं। साथ ही ये फिल्म तमिल किंग रजनीकांत की फिल्म को टक्कर दे सकती है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। इसके साथ ही उन्होंने ये इच्छा जाहिर कर दी कि अब ये फिल्म यूपी में भी सिनेमाघरों में रिलीज हो तब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये वहाँ किसी हिंदी सुपरस्टार की फिल्म को टक्कर दे पाएगी। अब वाकई ये सोच काबिले तारीफ है कि उन्होंने इतनी ऊंची और अच्छी बात कही, बट ये एक ख्वाब जैसा है कि हिंदी के सुपरस्टार की किसी फिल्म को ये फिल्म टक्कर दे पाए। लेकिन उम्मीद और इच्छा दोनों लोगों को फर्श से अर्श तक ले जाती है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से अनुज की रिपोर्ट।